दो कदम। सबसे पहले बात आदिवासी दिवस की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मौके पर कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। लाइव इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लागू करना चाहते थे हम लोग, वो लागू नहीं हो पाया, तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, अभी भी इस बजट में हमने करीब 14.53% का प्रावधान उपयोजना में रखा है, पर एक कॉन्क्रीट फैसला हो जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास और वहां के लोगों की भावनाएं वो उसमें सामने आ सके और ढंग से हम लोग काम कर सकें। जब कोई मौका लगता है तो हम लोग खुद आगे बढ़ करके कई फैसले करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार जो विश्वविद्यालय बनाया था, किसी मांग नहीं थी, हमने खुद ने राजीव गांधी का जो प्रेम था आदिवासियों के प्रति, जैसे मैंने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनते ही डूंगरपुर हो, चाहे वो गुजरात या महाराष्ट्र या आपके वो उड़ीसा के क्षेत्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, वो गए थे, उनका लगाव था, उनके नाम से विश्वविद्यालय का नाम रख दिया। सरकार बदल गई, वो बाद में उदयपुर से शिफ्ट कर दिया बांसवाड़ा के अंदर। मेरी इच्छा थी कि शहर के बीच में विश्वविद्यालय बना रहता तो बाकी जो जाति हैं, वर्ग हैं, धर्म के लोग हैं, सब मिलके वहाँ रहते, तो आदिवासी जो हमारे ठेठ आदिवासी जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो अपनी खुद की संस्कृति के साथ साथ में सभी जातियों की, धर्मों की, वर्गों की जो भावनाएं होती है, उपलब्धि होती है, उसे रूबरू होते और उसका फायदा मिलता। कल मैंने जब उद्घाटन किया मिनेश विश्वविद्यालय का, शिलान्यास किया कोटा के अंदर, तो वहाँ पहले भैरव सिंह काला बादल के नाम से हमने हॉस्टल बनवाया था, जमीन दी थी सरकार ने, हॉस्टल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। जब कल बच्चियों का इंट्रोडक्शन हुआ तो एक बच्ची केरला की थी, उसके अंदर कई विदेशी बच्चे आके पढ़ते हैं वहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगा कि खाली जो लक्ष्मण मीणा जी ने बनवाया हॉस्टल, और वो हॉस्टल जो है खाली एक समाज का होता तो शायद वो बच्चियाँ अपने समाज के संस्कार तक ही सीमित रहती, और अगर उस हॉस्टल के अंदर विदेशी भी पढ़ते हैं, अगर केरला तक के बच्चे आके पढ़ते हैं, तो सारे लोग हिंदी, अन्य भाषाएं, अलग तरह का आचरण व्यवहार, सब तरह की बातें उसमें होती। उस रूप में हम लोग, मैं समझता हूँ कि इस काम को हम कर सकते थे, जिससे कि आदान प्रदान हो विचारों का, संस्कार का, संस्कृति का, परंपराओं का, सोच का, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग तरह होती है बच्चों के अंदर। ये सोच के हमने उदयपुर में विश्वविद्यालय खोला था, गोविंद गुरु के नाम का वो विश्वविद्यालय वहाँ बना, शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है नाम का। गोविंद गुरु भी बहुत बड़े संत हुए हैं और जिन्होंने आदिवासियों को लेकर के किस प्रकार से संघर्ष किया अंग्रेजों के राज के अंदर, और सैकड़ों लोग मारे गए थे आदिवासी, वो देश भूल नहीं सकता। इसी प्रकार से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है, इसको भी हम लोग बराबर चलाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी भी 19-20 के अंदर भी अम्बापुरा, बांसवाड़ा, पेपरकोट, प्रतापगढ़, सराड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में स्वीकृत किए गए हैं, और तीन तो अम्बापुरा में तो, और पेपरकोट में तो विद्यालय प्रारंभ कर दिए गए हैं। हृदय जोशी के नाम से कैनाल और बिकाबाई कि जो नया सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए हमने अलग से धनराशि आवंटित की है 25 करोड़ रुपये की। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि कैसे हम लोग आने वाले वक्त के अंदर आदिवासी क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो, और किस प्रकार से हम लोग सब मिलकर के जो उनके वन अधिकार है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे ढंग से, पहली बार बहुत लंबा संघर्ष हुआ आदिवासियों का, तो आखिर में वो संघर्ष काम आया और नया कानून पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर।
उसके बाद में पट्टे मैंने लगे हैं। अभी भी अड़चन आती है, कई बार असेंबली के अंदर भी डिस्कशन होता है, हम लोगों ने घोषणा करी वापस दिखवाएंगे। अब 3 महीने का अभियान वापस शुरू कर रहे हैं और साथ में जो इसके लिए अलग से जो IT बेस ऐप शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकेंगे और अपनी समस्या का निराकरण करवा पाएंगे। हमने अनुपत्ति योजना शुरू कर रखी है बच्चों के लिए, जो अच्छे पढ़ाई में होशियार हैं उनको अच्छी कोचिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलवाना फ्री के अंदर, सरकार पैसा भरेगी वहाँ पर। अगर वो शहरों में जाकर रहेंगे तो प्रति वर्ष 40,000 रुपये उनको मिलेंगे रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो योजनाएं बनाने में कोई कमी रखी नहीं है। अभी भी जब कोरोना आ गया था तो हमने 5 लाख किट बांटे वहाँ पर मक्के के बीज के TSP एरिया के अंदर। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ये तो जो विकास कार्य काम का उद्घाटन हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं, वो काम तो जैसा जैसा आप बताएंगे हमें और जो विभाग है TAD का, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी वो करीब 434 आश्रम और खेल कॉलेज और बहुउद्देश्य आवासीय छात्रावास का संचालन कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। पर मैं चाहूँगा इससे आगे बढ़ करके, एक तो जो पैटर्न बनने की बात है गुजरात पैटर्न या महाराष्ट्र पैटर्न, उसमें काम आगे बढ़े, और दूसरा जो शिक्षा में और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि समय आ गया है, नई शताब्दी आ गई। तो राजीव गांधी का सपना था कि नई शताब्दी में ये मुल्क भी हमारा शिक्षित राष्ट्र रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, लोगों की गरीबी और भुखमरी और जो ये बेरोजगारी है इसका अंत हो, गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है वो बंद हो, ये तमाम सपना राजीव गांधी ने देखा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सपने को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, और तभी हो पाएगा जब हम लोग, आज इंटरनेट की सेवाएं आ गई है, मोबाइल फोन हर हाथ के अंदर है, अगर इंटरनेट नहीं होता तो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से, ये संभव नहीं, असंभव था, आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसको ओपन VC कर रखी है, तो पूरा प्रदेश पूरा देश देख सकता है जो देखना चाहे इसको। तो ये जो क्रांति हुई है, ये राजीव गांधी का जो मिशन था टेक्नोलॉजी का, उस वक्त में जो शुरुआत हुई थी उसके कारण से हमारे यहाँ पर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं मजबूत गहर आ चुकी है, और उसका जो क्रांति हुई आप देखते हो हर विभाग के अंदर, हर काम के अंदर। आज पैसा भी DBT हो रही है, सीधा पैसा पहुंचता है सरपंच के पास में या बेनिफिशियरी के पास में, कैसे संभव हुआ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुबारक मौके पर जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ हमारे साथियों ने, रवि मीणा जी ने भी लिख के दिया है कि राजस्थान हेरिटेज प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बनी हुई है राजस्थान में, वो पैनल में बनाए आदिवासियों में, कई जगह ऐसी है जो धरोहर के रूप में, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में। अभी भी यहाँ पर एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था, रामकृष्ण मीणा जी ने उसको अच्छे ढंग से उठाया था जयपुर के पास में ही आमागढ़ पहाड़ियों में। तो ये कुछ लोग ऐसे तत्व होते हैं जो धर्म के बीच में, जाति के बीच में, वर्ग के बीच में और संप्रदाय के बीच में कैसे उनको फूट पैदा हो, ये कोशिश करते। मैं कोशिश हुई और रामकृष्ण मीणा जी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको हल किया, और वैसे आदिवासी क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं, बड़े धाम अपने आप में
ऐतिहासिक है, जहाँ हम लोग ओवर ब्रिज बना रहे हैं कुछ 150-200 करोड़ की लागत से, वहाँ बनेरे धाम का मैंने विकास बोर्ड बना दिया है। तो ऐसे जो स्मारक है, धरोहर है, इन सब की रक्षा कैसे हो, इसके बारे में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम ने बात कर ली है सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर से, और इसको पूरा दिखवा रहे हम लोग, पूरा सर्वे करवा लेंगे और किस रूप में आइडेंटिफाई करें, उनका प्रोटेक्शन हो, उनका डेवलपमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। पेंद्रमा पहले बने हैं, पिछली गवर्नमेंट बने थे की जगह, हम चाहेंगे कि वो काम आदिवासी क्षेत्र में बहुत योजना तरीके से हो। इस काम को महात्मा देंगे। हमारे कुछ विधायकों ने भी कुछ घोषणा की मांग करी, घोषणा का तो वक्त नहीं आज, क्योंकि घोषणा करने के पहले तो पूरा देखना पड़ता है कि उसका एग्जामिन करना पड़ता है डिपार्टमेंट वाइज। तो मैं इस मौके पर विश्वास दिलाऊंगा तमाम साथियों जिन्होंने कि ज्ञापन भेजे मेरे पास में, तो आप निश्चिंत रहें, जो जो ज्ञापन मेरे पास मिले हैं उन सबको हम डिपार्टमेंट में एग्जामिन करवाएंगे, उन कामों को जल्दी कैसे उनकी घोषणा हो या वो काम पूरे हो, इसमें पूरा प्रयास करेंगे। यही बात कहता हूँ मैं पुनः आपको, क्योंकि कहने को बहुत सारी बातें, पर आपको ध्यान है कि किस प्रकार से एक के बाद एक, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, उनके लिए भी बहुत स्कीम बनी है और नौकरियों में आरक्षण भी, मुझे याद है 20 साल पहले हम लोगों ने पहली बार SC ST के जो आरक्षण थे वो 6% मिल रहा था राजस्थान के अंदर। हमने पहली कैबिनेट के अंदर ही 6 से 12 किया आदिवासियों का, और SC का 8 से 16% किया था, आज मुझे याद है। तो सरकार तो आगे बढ़ करके हमेशा आदिवासियों का ख्याल रखती है, उन पर हमें गर्व है। मैं फिर कहना चाहूँगा उनके कारण से जो संस्कार संस्कृति परंपराएं बची हुई है उनको और मजबूत करने की आवश्यकता है, और मेरी उम्मीद है कि संत मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु, नाना भाई खाट, भीखा भाई भील, वीर बाला काली भाई, इन सब की प्रेरणा से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि आदिवासियों की समस्याओं को हल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही वादा करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर सर्वप्रथम मैं आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही आज जनजाति वर्ग व क्षेत्रों को सशक्त, समृद्ध और सम्मानित करने के लिए भी आपका आभार। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त माननीय मंत्रीगणों, समस्त माननीय सांसद व विधायकगण एवं समस्त जनप्रतिनिधियों का भी आभार, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से आदिवासी कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं को संबल व प्रोत्साहन प्रदान किया है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक